हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडाफो स्टडी बनिस्बेट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की नई नियमावली के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी में 27,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी की नई शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ बहुत सारे नए बदलाव भी हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती में। चाहे अगर बात की जाए 30 नंबर के जीके जीएस के बारे में, एज लिमिट 40 को लेकर इंटरव्यू के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए ऐसे लाखों अभ्यर्थियों के बारे में जो यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर अब आवेदन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि नई नियमावली के अनुसार कई बड़े बदलाव आप सभी के लिए देखने के लिए मिल रहे हैं और इन पर डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और यहाँ पे आपको दो जानकारियाँ हैं। पहली है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम और दूसरी है यूपी टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी पहली विज्ञापन जो निकाला गया था वो 2022 के अंदर था, उसी की परीक्षा कराने के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया और अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रोसेस लगातार जारी है। सचिव की नियुक्ति हो चुकी है, सचिव ने नियुक्ति करते ही सबसे पहली स्टेटमेंट दी है कि अब भर्तियों को लेकर किसी प्रकार की कोई भी हिला हवाली नहीं होगी, जो पारदर्शिता है उसको लागू किया जाएगा और भी बड़ी बड़ी बातें। लेकिन सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर कौन कौन से वो बदलाव हैं जो किए जा रहे हैं नियमावली के आधार पर, जो नियमावली जारी की जा रही है। क्योंकि यूपी में एक चीज़ बहुत फेमस है, भर्ती हो समय से ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बदलाव है वो समय से पहले हो जाना चाहिए, ऐसा होता भी है। अब यहाँ पे बदलाव को लेकर बात की जाए तो यूपी टीजीटी पीजीटी की नियमावली के अनुसार कई बड़े बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला बदलाव तो आप सभी के लिए 30 नंबर के जीके जीएस के बारे में। यानी कि जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती होती है, जिसका नाम आप एलटी ग्रेड के नाम से जानते हैं, उसमें आपकी परीक्षा होती है, जिसमें आपका सब्जेक्ट के साथ में आपसे सब्जेक्ट के अलावा आपको 30 नंबर का जीके जीएस भी देखने के लिए मिलता है। ये आपका एड ऑन किया जा रहा है, ये 30 नंबर का भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन बनाने के लिए थोड़ा कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन यस जीके जीएस आप सभी का आने वाली भर्तियों में लागू करने की पूरी तैयारी है। और अगर कोई दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो आप सभी के सामने है एज लिमिट को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार सवाल किए जाते हैं कि क्या टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर एज लिमिट लागू होगी, क्योंकि हाल ही में एक नियमावली वायल हुई थी, आप सभी ने देखी थी। और वो नियमावली वैसे तो आयोग ने कहा कि फर्जी है, जबकि अगर सही मायनों में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी लिखी गई हैं जो उस बात को बताता है कि नियमावली ऑफिशियल नहीं थी, लेकिन यस इस पर काम चल रहा था। जब काम चल रहा होता है तो चीज़ें अफवाह के नाम से बताई जाती हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसी पर एक ऑफिशियल मोहर लगाते हुए ये कह दिया जाता है कि ये आपकी नई नियमावली है। यानी कि उसको कहा तो गया था कि वो फेक है, लेकिन यस पूरे 100 तरीके से 100% इसको ये कहना गलत होगा कि वो फेक है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर उसी नियमावली में से कुछ नए बदलाव आप सभी के यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में किए जा रहे हैं। और एक एज लिमिट को लेकर जो सवाल है 40 के बारे में, अभी इसको लेकर मैंने कई अधिकारियों से जब जानकारी मांगी कि टीजीटी पीजीटी भर्तियों के अंदर क्या अब एज लिमिट भी लागू हो जाएगी, तो उन्होंने कहा है कि ये जो आपके सामने नियमावली चल रही थी ये एक तरीके का विचार विमर्श किया गया था शासन स्तर पर, लेकिन एज लिमिट को लेकर अभी तक अधिकारियों के माध्यम से पूरे तरीके से पुष्टि नहीं की गई। उनका कहना ये है कि ये मामला विवादित है, इस पर अभी कुछ कहना सही नहीं होगा। यानी कि 50-50% चांसेस हैं कि आपको एज लिमिट देखने के लिए मिल सकती है। मैं फिर कहूँगा कि अगर ऐसा होता है तो सबसे आगे आपको ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल वाले खड़े दिखाई देंगे सपोर्ट करने के लिए कि भाई एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एज लिमिट लागू हो गई तो यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो टीजीटी पीजीटी में काफ़ी लंबे समय तक तैयारी करते रहते हैं, तब जाकर के वो चयनित होते हैं। और अगर उनके लिए एज लिमिट लगा दी जाए वो भी 40 साल की, तो 100% कम से कम मैं कह सकता हूँ कि जो आपकी हाल ही में टीजीटी पीजीटी निकाली गई थी
उसमें 13 लाख ने आवेदन किया था, तो 3 से 4 लाख अभ्यर्थी तो यूं ही बाहर हो जाएंगे क्योंकि वो पहले ही ओवर एज हो चुके हैं। कुछ तो कोरोना की वजह से हो गए, कुछ और कारणों की वजह से हो गए, बचा कुचा एज लिमिट लागू कर दी तो पूरे उनका कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएंगे, तो ये होना नहीं चाहिए। बट यस, ऐसी जानकारियां चल रही हैं, इसको लेकर अभी अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन 50-50% चांसेस हैं। एक इंटरव्यू को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे, क्या पीजीटी में इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टीजीटी के अंदर तो पहले से इंटरव्यू ख़त्म हो गया था। तो अगर बात की जाए पीजीटी के इंटरव्यू के बारे में, तो इसको लेकर उनका कहना ये है कि अभी उसमें पीजीटी में इंटरव्यू लागू रह सकता है, आने वाले समय के अंदर इस पर अधिकारियों के माध्यम से जो नई नियमावली तैयार की जा रही है उसमें शासन से विचार विमर्श करने के बाद ये फाइनलाइज होगा कि पीजीटी से इंटरव्यू हटाना है या नहीं हटाना। बाकी और भी कई छोटे छोटे बदलाव आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हैं वो यही हैं, जीके जीएस और 30 नंबर का प्लस आपकी एज लिमिट का। अब एक बात आप ध्यान में रखें कि जीके जीएस के लिए आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाली वैकेंसीज में जब जीके जीएस पूछा जाएगा तो आपकी बस हो जाएगी। देखा होगा आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का जीके जीएस, अपने दिल पे हाथ रख के कमेंट करके बताओ कि अगर आपने LT ग्रेड का जीके जीएस देखा है और आज मैं आपको वो पेपर ही दे दूं LT ग्रेड का जीके जीएस का, तो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने अगर वो देखा होगा तब भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि UPSC का जीके जीएस बहुत टफ होता है। अगर किसी और के लिए बात की जाए तो ऐसा ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से नहीं किया जाता, ये नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि उनका ज़्यादातर फोकस UPSC की तरह ही आयोग को बनाना है, शिक्षा सेवा चयन आयोग को, तो वो आपको थोड़ा फोकस करने वाली बात होगी। रही बात 27,000 पदों पर UPSC बिजली नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, तो इसको लेकर गुलाब देवी के माध्यम से रिक्त पदों की जानकारी पहले दी गई थी, जल्द ही अभ्यर्थियों के माध्यम से नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर इसको लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया जाएगा। जैसे ही एक बार अध्यक्ष आ जाते हैं उसके बाद में रिक्त पदों का अध्याचन नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा TGT PGT को लेकर, और उसके बाद ये विज्ञापन जारी होगा। रही बात अगर UPSC TGT PGT पुरानी भर्ती के एग्ज़ाम के बारे में, उसको लेकर मैंने आपको बताया है कि पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होगी, लेकिन उसके लिए यहाँ पर एग्ज़ाम कंट्रोलर और अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, और जिस दिन आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी उसके 1.5-2 महीने के बाद में TGT PGT होगी, ऐसा कहना है अधिकारियों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।